काट लो। काट भी लिया, काट लो। लाइट 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 लाइट। इनके मौत से रूबरू होने के लिए हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? बकरी इस्माइल। बकरी इस्माइल। आपका शुभ नाम? मनीष कुमार। और कौन सांप अभी देखा जा रहा है सो बताइए तो? अजगर। अजगर, अजगर है आपके यहाँ पे? अरे ये मुजफ्फरपुर में? अरे अजगर सांप देखा जा रहा है, लेकिन पता नहीं मुजफ्फरपुर में ऐसा तो होता नहीं कि अजगर सांप का रहने का परिवेश है, लेकिन देखते हैं कि रियल में इनका क्या नाम बोला? मनीष कुमार जी का बात। और देखिए इधर आ गए हमारे भाई साहब, क्या नाम हुआ? मनोज साहू। मनोज साहू जी हो गए। कौन सांप है? अजगर सांप है, 10 फीट का। 10 फीट का? अरे बाप रे बाप, 10 फीट के मतलब कि हमसे 5 फीट है, हमसे बड़ा होगा अजगर, उसको कैसे पकड़ा जाएगा? चलिए कोई बात नहीं, रात्रि के कितना बज रहा होगा? 12 बज रहे हैं। 12 बजे के समय में आप लोग कॉल किए हमको। जी, जी जी। और हमने ट्रेवल्स खर्च के बारे में केवल चर्चा की, ईमानदारी से आप लोग बताइए। जी जी, हाँ, कॉल करने वाले आकाश है। हाँ, कोई ये आपसे बोला कि हम आपके यहाँ आएंगे तो सांप पकड़ने के लिए हम आपसे पैसा लेंगे? ना, ना, ऐसा कुछ नहीं। ये ट्रेवल्स खर्च में जो हमने आपको बताया वो कोई चीज है? चलिए ठीक है, चलिए आइए दिखाइए, देखते हैं कि कौन सा सांप है। इधर साथ साथ रहिएगा। हाँ चलिए आप लोग, चलिए आप लोग, चलिए कहाँ पे है? आई देखिए। हाँ, और बहुत ही उत्साहित सब हमारे भाई सब है। लगभग 2 घंटा से रोक को सांप को रखे हुए हैं, घेर के रखे हुए हैं 2 घंटा। 2 घंटा से। चलिए ठीक है, हमारे भाई सब, बड़े भाई, छोटे भाई, सब लोग बहुत उत्साहित हैं। आइए हम बता रहे हैं, आइए आइए आइए। क्या नाम हुआ आपका? अमर। अमर जी, बाप रे बाप, इतना अमर हो गए। आइए आइए, चलिए। राहुल इसके घर में सांप है। राहुल जी क्या? चलिए 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 ठीक, चलिए हम लोग को देखते हैं कि आखिर अजगर सांप कैसे हो गया। हमें लगा कि कॉमन सेंट बॉय स्नेक के हो सकता है, लेकिन रियल में अगर आकर देखते हैं। चलिए अच्छा, किधर की ओर? चलिए आकाश कॉल करने वाला, वही आकाश है, आपको यूट्यूब पर नंबर लेकर के यही कॉल करने वाला है। कौन हो गए? यही है कॉल करने वाले, यही आकाश है। आप ही हो गए? यही कॉल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सोशल मीडिया के अधिक जानकारी है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही। ओह माय गॉड, इधर दिखाइएगा, इधर रियल में। और ये अजगर का ही जो है की छोटा बच्चा है, और ये हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि अजगर मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन रियल में अजगर ही है। हाँ मिल गया, वाह वाह, बहुत खूब, जो बोले कि बहुत मिल गया। हाँ चलिए ना, आप लोग गजब के यहाँ पे देखिए किस तरह से छुपा हुआ है अजगर का। रॉक पाइथन इसे ही बोलते हैं हम लोग, रॉक पाइथन। कैमरामैन फोकस कर तो रहे हैं, बहुत बड़ा है ये, आप लोग कैसे बोले कि छोटा है? मोटा है सामने जाओ, फटी ना, फटिया बात फटी ऊपर भी होती है, ऊपर भी लाइट देखा तू सब बीच चलो लाइट सारा काफी मोटी रे मोरे मोरे के मोर पाले पतला है वो अंदर आ गई छई फसल बाहर की ओर निकल रहा है ये। हां बाहर निकल रहा है, बहुत ताकत लगा रहा है, बहुत ताकत लगा रहा है, ताकतवर है ये। बाप रे बाप, गज ऑफ का, ओ माय गॉड, ये बाहर निकल रही थी उधर से निकला उधर बाहर निकल गई ना, और बहुत तेज। और ये छोड़ेंगे तो काफी मेहनत लग रहा है, ऐसा रेस्क्यू मैंने जिंदगी में पहली बार कर रहा हूँ। और लाइट भाई, लाइट लाइट नहीं, हम पकड़े हुए, भागेगा नहीं, थोड़ा सा हमको रिलैक्स होने दीजिए। इधर देखो देखो, हाँ दिख रहा है, करने के बाद जो है ना कि इसके बाद जो है ना कि हमें जो है ना कि इस सांप को जाने कि कोई भी आप लोग एकदम फॉरेस्ट का ही अजगर है, क्योंकि जिस तरह से एक्टिविटी इसका है, एकदम बाइट करने का एक्टिविटी है इसका। और
ये जो यहाँ पे दिखाई गई था जो फॉरेस्ट जो सपेरा का ये देखिए एस बनाया हुआ है। हाँ 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 एकदम गुड। कौन बोले एस बनाया हुआ है? हाँ मुद्रा में हाँ पोजीशन पे है। और ये सपेरा का सांप नहीं है। हम सोच रहे थे कि सपेरा को जो ने कि सांप को छोड़ दिया होगा। ये फॉरेस्ट ही स्नेक है, इसलिए इसे हमको भी सावधानी पूर्वक पकड़ना होगा। और गजब का हाँ स्टिक तो मुझे चाहिए। और इधर ही फोकस करेंगे हम एकदम। एकदम हमारे भाई जो है कि हमारे शायद स्नैक रेस्क्यू का सबसे अधिक वीडियो देखते हैं, इसलिए इस आकार बोलने पर हमको सावधानी पूर्वक कहने के लिए कह दिए कि सावधान पूर्वक रहिए। बाप रे बाप। और इस सांप को जो है कि हम लोग को रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग को ही हैंड ओवर करना होगा। ठीक है गजब का। हाँ हाँ ठीक 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 हाँ हाँ हम ले लेंगे। इधर आप देखिए बहुत गजब का। और वीडियो जो भेजे और हमारे तरफ देखिएगा। आवाज सुनने की कोशिश करें। आवाज 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 सुन रहे हैं? आवाज आवाज आप लोग सुनिए आवाज। ना ना आप नहीं भागेंगे ना, अब हम आ गए हैं ना। ओम 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 माय काट लिया। काट भी लिया जो मुझे डर था। कैमरा मैन इधर फोकस। लाइट 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 जो मुझे डर था वही हुआ। इसमें जो है कि दांत भी जो है कि दांत भी छोड़ दिया होगा, इसलिए बिसबिसा रहा है। और थोड़ा सा हम जो है कि हमारी गलती ही इसका गलती नहीं, हमने पुश कर कर खींचा जिसके कारण थोड़ा सा फट गया होगा। वो धोने के बाद हम लोग इसको करेंगे। चलिए हमारा स्टिक दे दीजिए। स्टिक 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 के साथ अधिक खेलने की जरूरत नहीं है। गजब का एक रेसी। और ये फॉरेस्ट ही ये अजगर है। ये कोई जंगली अजगर है थोड़ा। हाँ हाँ बहू के कहीं से आ गया है ना। हाँ हाँ पानी में मर गया है। कितना ताकत लगा रहा है उस गजब का ताकत। मेन हो ना वो जल्दी जल्दी खेला हो रहा है। अरे आज का पसना भागल जगह छोड़ रहा है। हेलो ये हाथ को किस तरह से जकड़ेगा ये देखेंगे। ओह माय गॉड। और ये मैं हाथ चाहकर भी मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो ये हेलो नहीं निकल पाएगा। लेकिन हेलो और इसके पकड़ में अभी हम नहीं है इसलिए इसको घोड़े पीछे सांप पकड़ाई से हुए देखो वो झोला पीछे है। गजब का। और हां पकड़ा गए फोटो खींच लिए। गजब का एक क्रेजी। ओह माय गॉड। भाई तो बहुत ही एक्साइटेड है। दिस स्नेक इज रॉक फाइटर।
दूसरा पर कर ले प्रकाश वेरी प्रॉपर्टी नॉट डेंजरस बट कुंडली मारकर जो है कि ये सांप जो है कि इसको मारने का जो है कि कैपेसिटी होता है और इस तरह से ये मुझे यहाँ पे बाइक किया ये आप सब देख रहे हैं और इस सांप को जैसे यहाँ पे हमें एक कॉल आया तो इससे फोटो भेजा गया तो हमें लगा कि ये कॉमन सेंट बॉय स्नेक का एक छोटा सा बच्चा होगा जो किसी से बातचीत हुई थी आकाश कुमार से बातचीत हुई थी तो आपको बोले थे ना कि कॉमन सेंट बॉय स्नेक का बच्चा होगा मुंह सही से दिखा रहा हूं ना फोटो खींच कर दे रहा हां दिखा रहा हूं नहीं दुनिया से कर रहा है कि नहीं ये वो सांप नहीं जो हम बोलते हैं ये सांप जो है कि रियल में मुंह लाइए रॉक पाइथन ही है और ये इस सांप को रॉक पाइथन बोलते हैं रॉक पाइथन मतलब अजगर सांप का अजगर सांप और ये सांप जो हमें काट लिया तो आप लोग जो देख रहे होंगे तो इससे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि इस सांप में जहर नहीं होता है विष जिससे आदमी मर जाए। चलिए रात्रि का बहुत समय हो गया और करीबन 12 उसी समय बज गया था इस समय 1 बजने को तैयार होगा 12 बज रहा है और 12 बजे अगर आप लोग को काम अच्छा लग रहा है तो ये हमारा दिल रखने के लिए सब्सक्राइब नहीं करना है। आप लोग को काम अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। चलिए इसको पैक करें हम लोग बाहर ले चलिए ना बाहर रोड पर थोड़ा रोड पर चलिए प्रचार कर लीजिए हमारा वीडियो बना फोकस करते रहिए और मेरे भाई सबको बोल रहे हैं छोटे भाई बड़े भाई जो भी है उन सबको मैं बोल रहा हूँ अगर काम अगर अच्छा लग रहा है YouTube चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर YouTube पर जाएंगे लिखेंगे स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर वो चैनल आएगा। अगर आप लोग को काम अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं काम अच्छा लग रहा है तो नहीं कीजिएगा कोई बात नहीं। चलिए हम लोग बाहर चलते हमारे भाई वीडियो करिए एकदम आइए सब आदमी आइए आ जाओ आ जाओ वीडियो हम लोग भी हम लोग ये पकड़ रहे हैं हम लोग हम भी आ जाए भाई मेरा है एकदम एकदम हम भी आ जाए हाँ आ जाइए भाई लोग हैं तभी है हम हैं एकदम फोकस करो एकदम सब आदमी की यो तड़का हो जाए यो 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 चलिए यार यार जो भी लोग चलिए रोड पर आ जाइए रोड पर में सब लोग आ जाइए इधर यही है माता जी और इस सांप को हम लोग जो है अजगर सांप बोलते हैं और इस सांप देखिए और ना हो हम न मरबा लेकिन सांप रहती है या इसे काट लेती है तो बाप रे बाप डायरेक्ट प्रहार करा होती है बहुत नजदीक है इसमें कहीं कोई जोड़ा नहीं है और डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कहाँ सब जगह से यहाँ आता है ये हम लोग का जो है कि खुशनसीब भी है इतना अच्छा जगह है कि सांप काटते ही हम लोग का इलाज वहाँ हो जाता है। चलिए इसको पैक कर ले चलिए ठीक दिखा कितना इधर करना वन मिनट का पैक करते हुए पैक करते हुए पूरा वीडियो जवान फोकस हो रहा है चलिए इसको खोलिए मेहनत कीजिए पकड़िए सहयोग कीजिए हाँ सहयोग कीजिए इसको इसमें डालिए और इसको हम अंदर करते हैं और यहाँ पे ये पकड़ते हैं और देखिए सांप पैक करने का सबसे अच्छा तरीका बहुत बढ़िया अच्छा लगा सांप पकड़ने का तरीका सांप को हम लोग सही सलामत रेस्क्यू कर लिया सही सलामत इसको हम लोग वन विभाग के हैंड ओवर कर देंगे क्योंकि ये सांप जो है कि इसे यहाँ पे रहने वाला नहीं है और यहाँ पे कहीं हम छोड़ भी नहीं सकते हैं वही वन विभाग इसको जहाँ छोड़ना होगा वहाँ पे छोड़ेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों का जान बचाया जा सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में। जय हिंद जय हिंद।